हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर टू फैक्टराइज़ फर्स्ट पार्ट फोर पी स्क्वायर माइनस नाइन क्यू स्क्वायर फोर पी स्क्वायर को लिख सकते हैं टू पी का स्क्वायर माइनस नाइन क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं थ्री क्यू का स्क्वायर आईडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी यहां पर a की वैल्यू टू पी है बी की वैल्यू थ्री क्यू है कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड से a की वैल्यू टू पी और बी की वैल्यू थ्री क्यू तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसके फैक्टर होंगे ए माइनस पी टू पी माइनस थ्री क्यू टू पी माइनस थ्री क्यू एक फैक्टर हो जाएगा दूसरा फैक्टर टू पी प्लस थ्री क्यू ये आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट सिक्सटी थ्री ए स्क्वायर माइनस वन हंड्रेड ट्वेल्व बी स्क्वायर सिक्सटी थ्री का स्क्वायर रूट नहीं है और ना ही वन हंड्रेड ट्वेल्व का स्क्वायर रूट है इस कंडीशन में देखेंगे कि कौन सा फैक्टर हम कॉमन ले सकते हैं इसके लिए एस सी एफ निकालेंगे एस सी एफ ऑफ 63 एंड वन हंड्रेड ट्वेल्व सिक्सटी थ्री वन कर लेंगे फोर्टी नाइन सिक्सटी थ्री को लिख लेंगे फोर्टी नाइन बन जा फोर्टी नाइन सब कर लेंगे फोर्टीन फोर्टीन थ्री जा फोर्टी टू सब कर लेंगे सेवन सेवन टू जा फोर्टीन एस सी एफ सेवन आ गया सेवन कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट लगा देंगे सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री नाइन ए स्क्वायर माइनस वन हंड्रेड ट्वेल्व को सेवन से डिवाइड करेंगे इज इक्वल वैल्यू आ जाएगी सिक्सटीन सिक्सटीन बी स्क्वायर नाइन ए स्क्वायर को लिख सकते हैं थ्री ए का स्क्वायर माइनस सिक्सटीन बी का स्क्वायर को लिख सकते हैं फोर बी का स्क्वायर ये एक्सप्रेशन फॉर्मूला बेस्ड बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी यहाँ पे ए की वैल्यू थ्री ए और b की वैल्यू फोर है लेफ्ट साइड से कंपेयर करने पर a की वैल्यू थ्री है और b की वैल्यू फोर है एक फैक्टर में माइनस करेंगे एक फैक्टर में प्लस करेंगे थ्री ए माइनस फोर बी थ्री प्लस फोर ये आंसर हो गया थर्ड पार्ट फोर्टी एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर क्योंकि सेवन का स्क्वायर होता है फोर्टी नाइन माइनस थर्टी सिक्स को लिख सकते हैं सिक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी ए की वैल्यू सेवन एक्स है बी की वैल्यू सिक्स है लेफ्ट साइड से कंपेयर कर रहे हैं एक में प्लस कर देंगे एक में माइनस कर देंगे ए माइनस बी सेवन एक्स माइनस सिक्स ए प्लस बी सेवन एक्स प्लस सिक्स ये फैक्टर हो गए ये आंसर है फोर्थ पार्ट 16x की पावर फाइव माइनस 144x की पावर थ्री सबसे पहले देखते हैं कि दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है दोनों टर्म्स में 16 कॉमन है 16 इंटू एक्स की पावर टू इंटू एक्स की पावर थ्री क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है x की पावर फाइव 144 को लिख सकते हैं 16 इंटू नाइन एक्स की पावर थ्री अब देखेंगे कॉमन क्या है 16 common है, x cube common है, 16 है है की पावर थ्री फर्स्ट टर्म में से एक्स माइनस का साइन है सेकेंड टर्म में से 9 16 एक्स की पावर थ्री कॉमन आ गया 16 एक्स क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सिक्सटीन एक्स क्यू एक फैक्टर में माइनस करेंगे एक फैक्टर में प्लस करेंगे एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री ये आंसर हो गया फिफ्थ पार्ट एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर इसको टू मेथड से कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू एल प्लस एम है बी की वैल्यू एल माइनस एम एक फैक्टर में प्लस करेंगे एक फैक्टर में माइनस करेंगे एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम एक फैक्टर ये हो गया दूसरे फैक्टर में प्लस करेंगे एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम यहाँ पर ये ए है ये बी है ए माइनस बी ये ए है और ये बी है ए प्लस बी सिंप्लीफाई कर लेंगे एल प्लस एम ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस एल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एम प्लस के एम है माइनस के एम है कैंसिल हो जाएंगे एल प्लस एल टू एल

ए प्लस बी का होली स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होली स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इसमें ये दोनों आइडेंटिटी लगेंगी फर्स्ट आइडेंटिटी से इसको ओपन करेंगे एल का स्क्वायर प्लस टू एल एम प्लस एम स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे एल स्क्वायर माइनस टू एल एम प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे एल स्क्वायर प्लस टू एल एम प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे माइनस एल स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस टू एल एम माइनस एम स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर हैं ये कैंसिल हो जाएंगे ये माइनस के हैं प्लस के एम स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे टू एल एम प्लस टू एल एम एड कर लेंगे फोर एल एम ये आंसर हो गया आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं को लिख थ्री एक्स वाई का स्क्वायर सिक्सटीन को लिख सकते हैं फोर का स्क्वायर इसमें फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी एक फैक्टर में माइनस करेंगे एक फैक्टर में प्लस कर देंगे सेवेंथ पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इसमें फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको लिख देंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर फिर से इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी एक फैक्टर में माइनस करेंगे एक फैक्टर में प्लस करेंगे एक्स माइनस वाई माइनस जेड x माइनस वाई एक फैक्टर में प्लस करेंगे प्लस जेड क्योंकि एर्थ पार्ट ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एट बी सी माइनस फोर्टी नाइन सी का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव ए स्क्वायर को लिख सकते हैं फाइव ए का स्क्वायर फोर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं टू बी का स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एट बी सी माइनस सेवन सी का स्क्वायर फोर्टी नाइन सी स्क्वायर को लिख सकते हैं सेवन सी का स्क्वायर इसमें आइडेंटिटी देखेंगे टू ए बी ए बी का कोई स्टेप नहीं है टू बी सी का स्टेप है तो देखेंगे ये फॉर्मूला बेस्ड तो नहीं है इसमें आइडेंटिटी लगेगी इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे फाइव ए का स्क्वायर माइनस टू बी का स्क्वायर माइनस जब कॉमन लिया है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ये माइनस के थे ये प्लस का हो गया ये प्लस ट्वेंटी एट बी सी है ये माइनस के हो जाएंगे ट्वेंटी एट बी सी ये माइनस के ये प्लस के हो जाएंगे सेवन सी का स्क्वायर इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर फाइव ए का स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट की कंपेयर इस फॉर्मूले से करें तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर टू बी माइनस सेवन सी के होल स्क्वायर के इक्वल होगा यहाँ लिख देंगे टू बी माइनस सेवन सी का होल स्क्वायर अब फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी लेफ्ट साइड से कंपेयर करें ए की वैल्यू फाइव ए है और बी की वैल्यू टू बी माइनस सेवन सी है एक में ऐड कर देंगे एक में माइनस कर देंगे तो फाइव ए माइनस टू बी माइनस सेवन सी एक फैक्टर ये हो गया दूसरा फैक्टर प्लस करेंगे फाइव ए प्लस टू बी माइनस सेवन सी ये दूसरा फैक्टर हो गया सिंप्लीफाई कर लेंगे फाइव ए ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस टू बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सेवन सी एक फैक्टर ये आ गया दूसरा फैक्टर फाइव ए प्लस टू बी माइनस सेवन सी प्लस का साइन है इसलिए साइन ब्रैकेट के अंदर चेंज नहीं होंगे यही आंसर हो गया आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे